भाभी कैसे हुआ आप सब। तो यार ये है हमारे पास Realme C33 और इसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं Infinix का लेटेस्ट आया हुआ स्मार्टफोन Infinix Hot 20 Plus से। काफी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे भाई इन दोनों फोन को कंपेयर करो आपस में, कौन सा फोन अच्छा है और कौन सा फोन को लेना चाहिए। वैसे इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि भाई किस वाले फोन में आपको क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है और आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन की लुक और डिजाइन की। तो देखो भाई लुक और डिजाइन के मामले में Realme C33 काफी ज्यादा आगे निकल जाता है क्योंकि इसका जो लुक है वो काफी प्रीमियम लगता है। ऐसा फील नहीं होता कि ये जो फोन है वो 9000 या 10000 का है। दोनों ही फोन प्लास्टिक बेल्ट के साथ आता है। खैर अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन के डिस्प्ले की तो Infinix में आपको एक 6.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है जहां आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बाकी भाई आपको Realme में 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले लगी हुई मिलती है जहां आपको 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट तो देखने को मिलता है बट कोई भी हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि प्रोटेक्शन वगैरह कौन सा यूज करा गया है दोनों ही फोन में इसके बारे में दोनों ही ब्रांड ने नहीं बताया क्लियरली। तो यहां पे डिस्प्ले डिपार्टमेंट में भाई Infinix नंबर ले जाता है बिकॉज़ वहां पे आपको HD प्लस 90 हर्ट्ज डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है। अब बात करें इन दोनों ही फोन की कैमरे की सेटअप की तो दोनों ही फोन में डुअल कैमरा का सेटअप है बट यहां पे कुछ बड़ा डिफरेंट है। आपको Realme में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है और 0.3 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ लेंस देखने को मिलता है और आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ मिल जाता है और Infinix में आपको एक 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है और एक AI लेंस देखने को मिलता है। अब देखो सेल्फी की बात करें तो भाई Infinix बाजी मार जाता है बिकॉज़ भाई वहां 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा लगा हुआ मिलता है। बाकी भाई ओवरऑल हो ना हो सेल्फी कैमरे को छोड़ के अगर मैं देखूं तो प्राइमरी सेंसर भाई Realme का ही बेटर परफॉर्म करेगा। और अगर मैं बैटरी एमएच की बात करूं तो आपको Infinix में 6000 एमएच की बैटरी लगी हुई मिल जाती है, साथ ही आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा और Realme में आपको 5000 एमएच की बैटरी लगी हुई मिलती है और इसके साथ आपको 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट में बाजी मार जाता है भाई Infinix। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन की प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है। जो Realme है वो Unisoc T612 के प्रोसेसर के साथ आता है और जो Infinix है वो MediaTek G37 के प्रोसेसर के साथ आता है। अब देखो मैंने Unisoc T612 को भी एक्सपीरियंस करा है और मैंने MediaTek G37 को भी एक्सपीरियंस करा है तो ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस सेगमेंट में आपको Realme C33 को सजेस्ट करना चाहूंगा। अब दोस्तों Realme में आपको एक काफी सही चीज मिल जाएगा कि ये जो फोन है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है जबकि Infinix आपको रियर माउंटेड दे रहा है। बाकी भाई Realme में मेरे को एक चीज पसंद नहीं आया कि ये जो फोन है वो माइक्रो USB पोर्ट के साथ आता है जबकि Infinix आपको USB पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोस्तों दोनों ही फोन में सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, 3.5mm हेडफोन जैक भी दे रखा है दोनों ही फोन में, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह दोनों ही फोन में नहीं है। और दोस्तों बात करें इन दोनों ही फोन की सॉफ्टवेयर की तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और Realme में आपको Realme का S एडिशन देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा लाइटर वर्जन है, इसमें आपको Realme का फुल स्किन देखने को नहीं मिलता है बट जो Infinix का XOS 10.6 है Infinix अपना फुल स्किन दे रहा है, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएगा Infinix के साथ। और अब बात करें प्राइसिंग डिफरेंट की तो Realme C33 जो है वो आपको 9000 में देखने को मिलेगा बट उस प्राइस पॉइंट में आपको 3.32 देखने को मिलेगा, कभी कदार ऑफर में आपको 4.64 में देखने को मिल जाता है बट Infinix की बात करें तो वो आपको 9000 में 4.64 दे रहा है तो ये एक काफी सही चीज लगी Infinix के साथ। अगर आप 1000 रुपया ज्यादा देते हो Realme को 4.64 के लिए तो इस प्राइस पॉइंट में इस वाले फोन में क्या है, मेरे को जितना समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात तो ये कि इस वाले फोन में कैमरा अच्छा है, 50 मेगापिक्सल का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और एक बेटर डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन Infinix में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है और 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जा रही है 9000 में। अभी के टाइम पे अगर मैं 9000 के प्राइस पॉइंट में देखूं दोनों ही फोन को Infinix Hot 20 Play जो है वो काफी बेटर निकल के आ जाता है। खैर आप अपना ओपिनियन बताओ कमेंट करके कि आपको क्या सोचना है इन दोनों फोन के बारे में। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।